हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं यहाँ पे ब्यूटी रेमेडीज एंड फैशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ हिंदी में एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करिए, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास छोटे छोटे लैसेस बच जाते हैं, अगर आप घर पे स्विंग करते हो, लैसेस लाते हो और बच जाते हैं तो आप उसे वेस्ट समझ के फेंक देते हो, प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप उन छोटे छोटे लैसेस को बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला तरीका जो है, अगर आपके पास कम अमाउंट में लेस बची हुई है तो आप कोई भी डेकोरेटिव पीस अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो आप उसके ऊपर ईजली लगा सकते हो। ये देखो, ये जो लेस है, मेरा इतना ही बचा हुआ था। तो पहले मैंने सोचा था कि इससे मैं निक पीस बनाऊंगी, बट मेरे पास सामान नहीं था। तो ये डब्बा मैंने, ये एक हॉर्लिक्स का डब्बा था, तो मैंने जब उसे खाली किया तो इस डब्बे को आप मेरे बैकग्राउंड पे भी देखते होंगे कि ये वॉलपेपर लगा हुआ है, तो उसका ये बच गया था, तो मैंने उससे कवर कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने कुछ गोटा पट्टी लगा दी और जो लेस थी उसे मैंने इस पे लगा दिया। तो इससे क्या, एक सिंपल सा डब्बा भी बहुत अच्छा बन गया एंड मेरी लेस भी यूज़ हो गई। तो अगर मैं इसे किसी भी घर के किसी भी कोने में रखूँगी ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा एंड वो कोना भी हाईलाइटेड हो जाएगा। मैं ऐसी पर्सन हूँ ना यार, मुझे बोरिंग चीज़ें देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। मीन्स मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डेकोरेट करके अपने घर को भी डेकोरेट करती रहती हूँ, कपड़ों को भी डेकोरेट करती रहती हूँ। ये मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है। तो इस वे में भी आप इस लेसेस को यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन कि आप किसी डब्बे के ऊपर उसे लगा दो। तो जो सेकंड आइडिया है, आप कोई टॉप सिल रहे हो एंड उसके लेंथ कम हो गई है और आप चाहते हो कि उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो जाए, जैसा मेरा इस क्रॉप टॉप के साथ हुआ था। तो मैंने क्या किया, ये देखिए नीचे में एक लेस लगा दी, तो इसका थोड़ा सा जो लेंथ है और ये थोड़ी चौड़ी, इतना ही लेस बचा हुआ था। मुझे बैक साइड में भी लगाने का मन था बट नहीं था, सो इट्स ओके, मैंने फ्रंट में लगा दिया। और 2 इंच मेरी जो टॉप की लंबाई है, या क्रॉप टॉप बोलो, उसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई। तो इस तरह भी अगर किसी चेन चीज़ की लेंथ कम हो जाती है और आप उसका लेंथ बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो प्लाजो हो, टॉप्स हो या कुर्ताज हो, तो ईजिली आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। थर्ड आइडिया है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी कुशन पे, मीन्स प्लेन कपड़ा है और किसी भी कुशन पे आप वो लगा सकते हो, छोटे छोटे लेसेस को यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 कुशन में इसे यूज़ करा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। एंड मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, क्या मेरे ऊपर बिंदी अच्छी लगती है। इसी, आई एम नॉट अ बिंदी पर्सन, बट मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर बिंदी बहुत अच्छी लगती है, तुम लगाया करो। प्लीज़ आपके क्या सजेशन है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, क्या मेरे ऊपर बिंदी अच्छी लगती है। अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो जो थर्ड, ये देखो मेरी एक प्लेन, ये मैंने पैंट सिला था तो पैंट में से ये कपड़ा लगा बचा हुआ था। तो कुशन जो होते हैं ना यार, बहुत ईजी बन जाते हैं, आपके कपड़े बहुत ईजली उसमें यूज़ हो जाते हैं। तो ये लेस थी मेरी एक, तो मैंने सिंपली ये थोड़ी सी यहाँ से निकल गई है, मैं स्टिच कर दूंगी। तो आप सिंपली इस तरह से लगा सकते हो, ये देखो सिंपल एक कुशन भी थोड़ी सी लेस की वजह से हाइलाइटेड हो गई। और इस वे में, क्योंकि इतना सब लेस सबका कहाँ यूज़ होना है, तो इस तरह से भी आप अपनी लेसेस को आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो कितना छोटा सा लेस बचा हुआ था, एज यू कैन सी। तो मैंने क्या किया, एक फ्लावर के अराउंड इसे रैप कर दिया और ये तुरंत हाइलाइटेड हो गया है, ये देखो। एंड मैं इस क्वेश्चन में आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ, ये पूरा का पूरा मेरा DIY है। साइड्स में भी आप देख रहे हो लेसेस लगाई है मैंने, यही सिमिलर लेस। ये एक्चुअली जो मोप का जो कपड़ा होता है, पोछा लगाने का कपड़ा जो होता है, ये मॉल से मैं लेके आई थी, 20 रुपीज़ ईच मैंने बहुत सारे लिए थे। तो अचानक मुझे कुछ सिलने का मन हो जाता, मुझे मिले मैं उससे डेकोरेट कर दूँ, बट वो सुंदर लगना चाहिए। तो मैंने इससे कुशन कवर बनाया जो अनयूज्ड था, बिल्कुल फ्रेश मेरे पास रखा हुआ था। मैंने 2 बनाई है, एक अलग डिज़ाइन की, एक अलग डिज़ाइन की। तो ये देखो इस तरह से आप, मेरा जो कपड़ा था मोक का क्लोथ है वो भी यूज़ हो गया एंड टैसल्स थे, टैसल्स मैंने लगा दिए, लेसेस लगा दिए। तो इस तरह से मेरा ओवरऑल कपड़ा भी यूज़ हो गया, टैसल भी यूज़ हो गए। ये टैसल भी किसी कुर्ती का था जो मैंने खोल लिया था, और ये मेरे लेसेस भी यूज़ हो गए। तो इस वे में भी आप पुरानी लेसेस को यूज़ कर सकते हो। फोर्थ आइडिया है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल भी छोटी छोटी पीसेज है, मीन्स बहुत ही छोटा छोटा है, तो ये इतना बड़ा लेस है, इतना भी नहीं है आपके पास,
लास्ट में इसका हाफ वॉल्यूम है, अगर इतनी छोटी छोटी लेसेस भी रखी हुई है ना तो आप उसे प्लीज फेंको मत। आप क्या कर सकते हो, आप हाथ पे जब कोई भी कुर्ता बनवा रहे हो, ब्लाउजेज बनवा रहे हो, तो आप स्लीव से बहुत सारी लेसेस को अटैच कर दो, और इससे क्या होगा कि आपकी एक हैवी सी कुर्ता रेडी हो जाएगी एक लेस के अटैच करने से। जितने भी छोटे छोटे लेसेस हैं वो तो आपके यूज हो जाएंगे हो ही जाएंगे, बट आपके जो कुर्ता है उसका भी लुक बहुत इन्हांस हो जाएगा। स्लीव्स में आप बहुत ही इजिली आप यूज कर सकते हो अपने छोटे छोटे लेसेस को। जो फिफ्थ आइडिया है, एक्चुअली ये मेरा बहुत ही फेवरेट आइडिया, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लेसेस की हेल्प से हैंडमेड ज्वेलरीज बहुत इजीली बना सकते हो। आप ये मेरी वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे लुकबुक में मैंने इसे यूज़ करा है। मैं कुछ के लिंक दे दूंगी आपको, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये आप देख रहे हो ना, ये मेरी क्लेस थी, आप देखो ये बिल्कुल हैंडमेड है, मैंने इसे घर पे बनाया, और ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि किसी भी कपड़े पे मुझे इसे लगाने का मन नहीं हुआ। तो मैंने सिंपली क्या करा कि ये एक फ्रॉक के ऊपर लगी हुई थी, तो मेरी फ्रॉक ख़राब होगी तो मैंने इसे निकाल दिया क्योंकि मैं बहुत जुगाड़ी हूँ, मुझे कुछ भी फेंकना पसंद नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे छोटे मोटे अपडेट्स करते रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। तो ये देखो साइड में मैंने क्या करा, बुकरम की दो पीसेस काट दी एंड एक पतली सी डोरी मैंने इस पर लगा दी। मैं इसमें थोड़े चेंजेस करूँगी, जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो मैं एक जो नेकलेस पे वो अटैच करने वाली डोरी मिलती है उसे मैं लेके आऊँगी। तो इस वे में आप कोई भी लेस, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा है, लेट मी शो यू, ये देखो, मतलब पहनने के बाद ना यार आपका पूरा लुक इन्हेंस हो जाता है। तो इस वे में भी आप अपनी लेसेस को यूज़ कर सकते हो एज आ नेक पीस। एंड अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह की भी नेक पीसेस बना सकते हो कि दो टुकड़ों को आपने ओवरलैप कर देना है, एंड कुछ भी घुंघरू उसमें ऐड कर देने हैं, चार्म्स यूज़ कर लेना है, मिरर यूज़ कर लेना है। सी, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर है। तो इस वे में भी आप नेक पीसेस या फिर ब्रिसलेट्स बना सकते हो, वेस्ट बैंड बना सकते हो, बहुत सारे आइडियाज हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट आइडिया था, बढ़ती हूँ नेक्स्ट आइडिया की तरफ। थोड़ा सा भी अगर आपका लेस बचा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल, जैसे मैंने ये सिंपल सा एक टैंक टॉप पहन के रखा है, बट अगर आप कुर्ता भी बनवा रहे हो और उसको टेलर की भी देने की जरूरत नहीं, टेलर क्या करते हैं ना यार, एक लेस भी अटैच करते हैं ना, तो हमने बहुत मेहनत करना है ऐसा बोल के वो बहुत पैसा, आजकल वो बहुत चार्जेस ले रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ एक ग्लू गन अपने पास जरूर रखो, और फेविक ग्लू हमेशा अपने पास रख के रखो अगर आप ये सब करते हो। तो आप सिंपली, मैं इससे आपको आइडिया दे रही हूँ एंड पिक्चर भी मैं अटैच कर रही हूँ, आप सिंपली एक गले में इस तरह से, ये देखो, आप लंबाई में से स्टिच कर दोगे और आप देखो, मींस इंस्टेंटली आपका जो कुर्ता है ना वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। एंड अगर चाइनीज़ कॉलर है, कॉलर वाली, नेहरू कॉलर वाली, तो आप कॉलर के साइड में जो ओवरलैप होके बटन लगता है वहाँ पे भी लग। सेवेंथ आइडिया है, वो भी बहुत ज़्यादा धांसू आइडिया है, अगर आपने कभी ट्राई करा हो तो प्लीज़ मुझे बताना। आप कोई स्लीपर लेके आते हो एंड क्या करते हो, उसकी सोल बिल्कुल अच्छी रहती है, मींस वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो बहुत टाइम तक टिकेगी, उसे कुछ नहीं होना है, तो आप क्या कर सकते हो, बट उसकी ऊपर की जो स्ट्रैप्स होती है वो ख़राब होगी। तो प्लीज़ ऐसे चप्पल को आप फेंके ना, क्योंकि हर किसी की हार्ड एंड मनी होती है, दैट आई टोटली भी। क्या कर सकते हो, लेस, एक लेस ले सकते हो अपने चप्पल के अकॉर्डिंग जो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में जाता हो, या फिर कुछ पड़ी हुई है जो उसके साथ जा रही हो, तो आप सिंपली अपने चप्पल के ऊपर आप उसे स्टिक कर दें एंड आपके चप्पल को एक इंस्टेंट बहुत ही अच्छा लुक मिल जाएगा, आपकी लेस भी यूज़ हो जाएगी एंड आपका चप्पल भी बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो इस वे में भी आप अपने स्लीपर्स को, अपने सैंडल्स को आप रीडिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है, आप कुछ दिन पहले मैंने ब्लैक कुर्ता लुकबुक शेयर किया था, उसमें मैंने ये जैकेट पहनी थी। तो आपके पास अगर छोटी छोटी लेसेस है, तो आप अगर छोटी सी कोई कोटी भी सिलवाते हो तो कोटी के ऊपर आप इसी तरह लाइनिंग वाइज आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसी आपके डिज़ायर है उस लेसेस को आपने चिपका देना है या स्टिच कर देना है। तो अगर आप मल्टीपल कलर्स भी लगाओगे ना तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है, वो बिल्कुल एक राजस्थानी टच देता है जिसमें मल्टी कलर हो। छोटे छोटे लेसेस जो बचे होते हैं उसे यूज़ करने का, तो आप
आप जो भी लेस आपके पास हो आप रैंडमली उसे लगा दो और एक आपकी सुंदर सी कोटी बनके रेडी हो जाएगी। कि घर में छोटी सी बिटिया रानी है तो आप ये प्लीज आप ट्राई कर सकते हो। आपका हेयर बैंड कोई पड़ा हुआ है और आपकी जो बेटी है वो डॉटर है वो नहीं पहनना चाह रही क्योंकि मम्मा ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, तो आप सिंपल कोई भी लेसेस को रैप कर सकते हो। ये देखो, ये तो मैंने खरीद के लिया था, बस मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ। ये भी आप देखो, ये ऐसे टच करो तो ये हटती है यहाँ से, मींस यहाँ से बैक साइड से अगर आप देखोगे तो ये चिपकाई हुई है। तो इस तरह से भी आप लेसेस को इसके ऊपर चिपका सकते हो हेयर बैंड के ऊपर, और कुछ DIY करके बोज या फिर कुछ भी आप राइनस्टोन लगा सकते हो, मिरर्स लगा सकते हो, या बस सुंदर सी एक हेयर बैंड रेडी कर सकते हो। तो इस वे में भी आप अपने लेसेस को यूज कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये टॉपिक, मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं एक एक वीडियो पे बहुत मेहनत कर रही हूँ, हमेशा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा टॉपिक लेके आ सकूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। तो वो सर्टिफिकेट मुझे आपकी तरफ से मिलना है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।